नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रुक्ष्मणी कुमारी, AIPC की प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के। रुक्ष्मणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहले तो कि जो CWC के जो चुनाव हैं वो अब नहीं होंगे, अब इसके बाद ये रहेगा कि खड़गे जी को नियुक्त कर दिया गया है, खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद चुनेंगे CWC के मेंबर्स। तो AIPC, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कई जगह ये भी बात आ रही है कि ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी किसी तरह से। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहले आप जैसे देख रहे हैं, अध्यक्ष जी ने अगर कहा है, खड़गे जी ने, कि वो चुनेंगे अपनी टीम, तो मुझे लगता है वी शुड वेट एंड वॉच। और उनका एक्सपीरियंस रहा है कांग्रेस पार्टी में सालों का, उन्होंने संगठन से लेकर अब जैसे ब्लॉक अध्यक्ष से लेवल आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस रहा है संगठन को संभालने का और रूट लेवल पे। तो मुझे लगता है मौका देना चाहिए, हमें देखना, वेट एंड वॉच करना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों का आएगा। जी मैम, जो अधिवेशन रहा, 3 दिन अधिवेशन चला, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को, उसके बाद अब जो चीज़ें निकल के आई हैं, जिस तरीके से अधिवेशन को देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस अधिवेशन का, क्योंकि चुनाव भी हैं, राजस्थान में भी चुनाव हैं, तो क्या इस अधिवेशन से किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा राजस्थान में भी? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अधिवेशन में हम हमारे PCC मेंबर्स से लेके AICC मेंबर्स सबसे मिलते हैं, एक मेलजोल बढ़ता है, अपनापन आता है, और संगठन हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जैसे राहुल जी ने कल कहा कि हमें एक, हम लोग सब तपस्वी हैं और तपस्या की तरह कार्य करना है, तो मुझे लगता है निर्देश ऊपर से लेवल नीचे तक कार्यकर्ताओं तक, हमें ऐसे, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं एक AICC मेंबर हूँ, काफ़ी PCC मेंबर्स रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस तरह से मेरी लोगों से बात हो रही है, काफ़ी लोगों से मैंने मुलाकात करी है इन दिनों, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड। इस तरह के अधिवेशन होने चाहिए, एक संदेश और दिशा मिलती है संगठन। मैम, AIPC अब क्या अपना रोल निभाएगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी हैं, और अभी कुछ दिनों पहले आपने भी अपना एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया था, और उसमें आप लोगों ने किया था, आपने पूरा वहाँ पे 5 ईयर्स कंप्लीट की भी बात की थी, तो अब क्या रहेगा आगे, AIPC किस तरीके से चुनावों में मदद करें? जी, जैसे हमने एक नेटवर्किंग प्रोग्राम बनाया है, जैसे AIPC एक रोटरी क्लब जैसा एक संगठन है, कि जहां हम लोगों को, प्रोफेशनल्स को एक साथ जोड़ते हैं, और पॉलिसी लेवल पे कैसे संगठन में PCC को मदद कर सकते हैं, जहां जहां पे भी इलेक्शन राजस्थान सरकार, हमारे जो भी MLAs लड़ेंगे, उनको हम एक डॉक्यूमेंट देंगे कि आपके एरिया का ये, इस तरह से आप इलेक्शन को लड़िए या इस पॉलिसी पे बात करिए, इस तरह से काफ़ी रिसर्च करके हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है, जो हम प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी को देंगे, और इस तरह से हमारे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हम लोगों ने मेंबर्स बनाए हैं, तो पूरी तरह से 2023 में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस आने वाले 2023 के इलेक्शन में राजस्थान सरकार फिर बनाने में मदद करें, और एक आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड वे में AIPC कार्य करती है बूथ लेवल पे, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रोफेशनल्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आप लॉयर्स हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, तो उन्हें जोड़ के कैसे हम आने वाले इलेक्शन में मदद कर पाएँ, क्योंकि वो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उनके अपने एरिया में इन्फ्लुएंस होती है, तो हमारे प्रोफेशनल्स इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जी मैम, आज के दौर में जैसे देखा जा रहा है, सोशल मीडिया एक बहुत अहम पार्ट हो गया, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, सभी पार्टियों का रहता है, तो AIPC प्रोफेशनल्स की पार्टी, तो क्या सोशल मीडिया को लेकर भी कोई प्लानिंग है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल के आप युवा देख रहे हैं या महिलाएं देख रहे हैं, फ़ोन सबके हाथ में, और अगर हम उनके उनके फ़ोन तक हम पहुंच गए, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कोई भी रोक नहीं सकता। हमने एक डेमो प्रोग्राम हमारे, स्पेशली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बनाया है, हम वो ही प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे, अगर उन्हें ये बेहतर लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनकी मदद करें, बिकॉज सोशल मीडिया एक नैरेटिव बनाता है, और नैरेटिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है हर MLA कैंडिडेट के लिए, या सो इस तरह से अगर एक नैरेटिव बनाएंगे, तो मुझे लगता है
हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत पाएंगे. तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करती है, और हमें भी इसको यूज़ करने के लिए सभी MLAs को मैं कहना चाहूँ जो भी प्रत्याशी होंगे उनको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ऊपर से लेके लाइक संगठन के अध्यक्ष से लेके नीचे के बूथ कार्यकर्ताओं को कैसे मैसेजिंग होती है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप, कैसे फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम, ट्विटर के द्वारा सबको जोड़ा जाना चाहिए. इस तरह से एक मैसेजिंग प्रोफाइलिंग बनती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करती हूँ, और हमने AIPC में भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी कहा है कि आप अपने अपने एरिया में ग्रुप्स बनाइए और जो भी संदेश होता है कांग्रेस पार्टी का वो बूथ लेवल तक पहुँचाए. तो आपने देखा कि किस तरीके से रुक्मणी जी ने बताया हमें कि क्या AIPC यानी प्रोफेशनल्स जो कांग्रेस है वो किस तरीके से आने वाले चुनावों में साथ देने वाली है पार्टी का. कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TV, रायपुर, छत्तीसगढ़.